ऑपरेशन इकोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर मार्क कैप्चर मेथड देख रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे बहुत बड़े जंगल में अगर सोचिए कि हम हिरन को या लोमड़ी का, फॉक्स को अगर हम चाह रहे हैं कि भेड़िया को चाह रहे हैं कि किसी को भी एनिमल को हम चाह रहे हैं कि उसको हम पता करें कि उसका क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो एक खास एरिया हम लोग को बनाना होता है। मान लो 1 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर, सो 5 किलोमीटर स्क्वायर का ये हमारा एरिया बन गया। ये हमारे कंट्रोल में, ये पूरा एरिया हमारे कंट्रोल में है। और इसमें मान लो कि अगर हिरण ही है तो उसके लिए सब कुछ व्यवस्था है। अब एक हिरण आया, हिरण को हमने कैप्चर किया, उसको मार्क किया, मार्कर लगाया, ठीक है ना। ऐसा ही सपोज करो कि हद आ रहा है, हम सब टाइम टेबल कर रहे हैं, फिर ये वापस जा रहा है अपने कम्युनिटी में मिल रहा है, फिर कोई नया आ रहा है, फिर उसको हम लोग कैप्चर करके उसको मार्क कर रहे हैं, फिर वो जाके मिक्सअप कर रहा है। तो ये मिक्सअप आना जाना लग रहा है। और उसमें हम ये पता करते हैं कि कितने मार्क किए हुए हिरन वापस आए और कितने नए हिरन आए। तो इसका एक फॉर्मूला बनाया गया। दैट इज टोटल पॉपुलेशन साइज। ये टोटल पॉपुलेशन साइज को एन से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एन से, इज इक्वल टू। अब कितना इंडिविजुअल को मार्क किए हैं, तो हम लोग यहां लिख देते हैं इंडिविजुअल मार्क्ड कितना, तो हम लोग देते हैं टोटल इंडिविजुअल मार्क्ड कितना को, मान लो 1 है कि 10 है। और चूंकि हमने क्या कहा कि मान लो कि पहला लॉट में आया तो फर्स्ट सैंपल हो गया, दूसरे बार जब मार्क करेंगे तो सेकेंड सैंपल होगा, तीसरे बार किसी को नए को मार्क करेंगे थर्ड होगा। तो टोटल इंडिविजुअल्स मार्क्ड फर्स्ट सैंपल, जो सबसे पहली बार हम जिसको मार्क किए थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक डेटा इनटू सेम फॉर द सेकेंड सैंपल। सेकेंड सैंपल के लिए मेरा आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को बाय नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स रिकैप्चर्ड अगेन इन सेकेंड सैंपल। अब ये सब एकदम ऐसे न्यूमेरिकल से समझाते हैं, ठीक है ना। पहला फर्स्ट सैंपल में कितना हमने पकड़कर मार्क किया, सेकेंड सैंपल में कितना पकड़कर हमने मार्क किया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। साथ ही सेकेंड सैंपल में कितना मार्क था जो पहले बार में था, फर्स्ट ट्राई में। अब देखो हम लोग इस डायग्राम से काम करते हैं। पहली बार हम लोगों ने 5 को मार्क किया, देखिए ये हमने मार्क कर दिया, ये हमारा फर्स्ट सैंपल है। ये फर्स्ट सैंपल हमने कब से कब किया, एक ड्यूरेशन होगा, मान लो कि ये 1 जून से 10 जून तक हमने किया। बढ़िया हो गया भाई, ठीक है। हमने चूंकि मार्क करके हम क्या किसको छोड़ दिया, भाई जाओ तुम वापस ना जंगल में खाओ पियो, हम तुमको क्यों पकड़ कर रखे। फिर हमने प्लान किया कि 1 जुलाई से 10 जुलाई तक हम फिर से सेकेंड सैंपलिंग हम स्टार्ट करेंगे, फिक्स हो गया। अब हमने देखा कि इसमें हमारे पास 7 ठो पकड़ाया, 7 इंडिविजुअल्स, जिसमें 2 में मार्क था पहले से। बोलो अच्छा, इसका मतलब है कि हमने 7 में से 2 पहले से ही मार्क थे, बाकी 5 में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेज में मार्क किया, यहां पर हमने गोल मार्क दिया। अब हम अगर पॉपुलेशन साइज निकाल लें एन, तो फर्स्ट बार में 5, दूसरे बार में 5 बाय सेकेंड टाइम में कितने थे जो कि पहले बार मार्क किए हुए थे, 2। तो 25/2 ये हमारा पॉपुलेशन साइज है। मतलब हम कहेंगे कि इस 2 महीने में हमारे पास 12.5, अगर राउंड फिगर कहें तो 13 इंडिविजुअल्स हमारे इस एरिया में हमको मिले हैं। अब नेटेलिटी रेट, क्योंकि सब रेट से ही टर्म आता है, इसको हम लोग कहते हैं बर्थ रेट, जन्म दर।
क्या है बर्थ ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज पर फीमेल, ठीक है, पर यूनिट टाइम। देखिए बर्थ रेट जो है ना, जन्म दर जो है, वो नंबर ऑफ बर्थ पर सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर भी डिपेंड करता है, कितनी महिलाएं हैं, कितनी फीमेल डॉग है, कितने फीमेल मतलब कितने काऊ हैं, ऐसे करके होता है। सोचो एक कुछ कम, हम तो हमेशा इस इकोलॉजी में हमेशा बोलते हैं कंपेयर करके समझाना हमेशा अच्छा होता है। एक दो तीन किसी एरिया में, मान लो कि 10 किलोमीटर स्क्वायर है, तीन ही महिला है, और किसी एरिया में इसी 10 किलोमीटर स्क्वायर में एक दो तीन चार पांच छ, मतलब यहां 3 गाय है और यहां पर 6 गाय है, गाय ही होगा, 3 गाय, हाँ, और यहां पर 6 गाय, ठीक है भाई। कोई भी देखेंगे मैं क्या कहेगा कि मान लो कि 1 साल में 1 गाय को एक बछड़ा या बछड़ी होता है, एक बच्चा होता है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है इसकी कि साल में 3 ही बच्चा यहां जन्म हो सकता है। यहां पर है कि 1 साल में 6 बच्चे का जन्म यहां पर संभव है, सभी गाय से अगर एक एक बच्चा हो तो यहां पर, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फीमेल मदर और यूनिट टाइम, क्योंकि हम लोग यहां पर क्या मान रहे हैं, मान लो कि फर्स्ट 1 जुलाई 22 से 31 जून 23, तो 1 साल का समय लिया, तो 1 साल के समय में हमने काउंट किया। अभी क्या है, अभी अगर हम देखें तो कहेंगे कि सर दोनों की अपनी कैपेसिटी के आधार पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि ये जो एरिया है सर, यहाँ पर कम गाय हैं, इसलिए 3 ही बच्चा दिख रहा है, यहाँ पर ज्यादा गाय हैं इसलिए यहाँ पर 4 दिख 6 दिख रहा है, ठीक है भाई, मान गए, हमको इसमें मानने के लिए कोई झंझट भी नहीं है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि मतलब अगर हम पर इंडिविजुअल देखें या पर कैपिटा देखें, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो मैक्सिमम इसमें एक टर्म जो आता है, पहला टर्म जो आता है वो होता है मैक्सिमम नेटैलिटी, जो समाज बहुत खतरे में रहता है, जहां बहुत यूज होता, जहां पर बहुत युद्ध होता है, बीमारियां होती हैं एक्सेट्रा, वहां पर कैसे इस टर्म्स को एक्सप्लेन किया था वो भी देखने का मौका मिलेगा। सेकेंड सेकेंड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रियलाइज्ड, रियलाइज्ड नेटालिटी, ठीक है, रियलाइज्ड को एग्जैक्टली हम लोग इकोलॉजिकल बोलते हैं कि भाई यही संभव है, इकोलॉजिकल नेटालिटी। मैक्सिमम नेटालिटी जैसे मैंने क्या कहा, कितने नंबर में फीमेल्स हैं, अभी जैसे ये जो भी हमने टर्म दिया, ये टर्म क्या था, ये टर्म था मैक्सिमम नेटालिटी, मैक्सिमम नेटालिटी, कहने की बात है कि 6 गायें 6 बच्चे मैक्स मैक्सिमम 1 साल में, वहां कोई सवाल जवाब नहीं। सो मैक्सिमम नेटालिटी जो है उसके मैक्सिमम कैपेसिटी को बताता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट, 6 से न ज्यादा न कम, और फिजियोलॉजिकल, क्योंकि ये कैपेसिटी भी है, 6 गायें 6 बच्चे दे सकती हैं, तो ये इस तरह से हो गया फिजियोलॉजिकल नेटालिटी। लेकिन जब हम
रियलाइज नेटैलिटी है, वास्तविकता नेटैलिटी को अगर हम कहते हैं तो ये हमारा एक्चुअल होता है, एक्चुअल नेटैलिटी, ठीक है ना। और ये सब उदाहरण बहुत ही आसान है, इसलिए हम लोग समझने में कहीं भी दिक्कत भी नहीं रहेगा। तो एक्चुअल नेटैलिटी डिपेंड्स किस पर करता है, ये डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। मान लो कि कोई किसी एरिया में बहुत वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वहां कोई अगर एक फीमेल है, ठीक है, उनके 10 से 12 बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत युद्ध है, बच्चे मारे जा रहे हैं, जनसंख्या डाउन हो सकता है। लेकिन जहां पर काफी समृद्धि है, काफी हैप्पीनेस है, जहां पर हैप्पीनेस है, किसी चीज की कमी नहीं है, वहां पर एक महिला हो सकता है कि अपने जीवन में मैक्सिमम 1 से 2 ही बच्चे करें। से भारत जैसा देश है, यहाँ बहुत स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता है, समाज में काफी सेटिंग्स है, यहाँ इस तरह का पॉपुलेशन होना उचित है, इस तरह का पॉपुलेशन होना सर्वथा अनुचित है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई वॉर नहीं है। लेकिन अगर इस रेट में अगर बच्चे होते जाएंगे 10, 12, 14, तो ये स्थिति पैदा हो सकती है, रहने के लिए घर नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, खाना नहीं होगा, तो ये सभी बच्चे आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे, वॉर जनरेट करेंगे। और ये अगर कम रहेगा तो हमेशा हैप्पीनेस रहेगा, सीधे बात कहती है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, हैप्पीनेस पर डिपेंड कर रहा है। हैप्पीनेस यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस मतलब क्या हो गया कि काफी नो वॉर, कोई वॉर नहीं है, जॉब है, मनी है, फूड है, वाटर है, अदर्स जो इन्वायरमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब अपने अपने हिस्से खा रहा है। तो मैक्सिमम नेटैलिटी जो एब्सोल्यूट, जैसे कि अगर एक ह्यूमन फीमेल है 450 एग्स फर्टिलाइज हो सकते हैं, तो क्या 450 बच्चे होंगे, बिल्कुल नहीं। तो एब्सोल्यूट कभी भी नहीं होता है, हमेशा ही रियलाइज या एक्चुअल नेटैलिटी होती है, जो उस कंडीशन में स्ट्रगल करके डिपेंड ये करता है। So, ये एक कॉन्सेप्ट है, मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब फेकेंडिटी वर्सेस फर्टिलिटी अगर देखें तो लगभग लगभग दोनों एक ही जैसे मतलब रखने वाले हैं, लेकिन दोनों का उपयोग अलग अलग है। कैसे फेकेंडिटी को कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, तो कहते हैं कि मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटपुट पोटेंशियल, ठीक है ना, ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर एन आइडियल एनवायरमेंट, अंडर एन आइडियल एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो बोला कि अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो 450 बच्चे होंगे, ये हो गया फेकेंडिटी। बट फर्टिलिटी में क्या आता है, फर्टिलिटी हो गया एक्चुअल डेटा, एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है ना। अब जैसे कहेंगे बहुत खतरा है, बहुत भूख है, गरीबी है, तो वो जो भूख गरीबी बीमारियां, उसमें फेकेंडिटी की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होगा पॉपुलेशन का कि मैक्सिमम बच्चे जन्म ले। वहीं पर यदि सब कुछ सुखी है तो लोग फर्टिलिटी पर ध्यान देते हैं कि अच्छा हमें 2 ही बच्चे रखने चाहिए, 3 ही बच्चे रखने चाहिए, 1 ही बच्चे रखने चाहिए, खुशी जीवन जीना चाहिए, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा टर्म आता है मॉर्टिलिटी मतलब हो गया डेथ रेट, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका डेथ होना ही चाहिए। तो इसमें भी दो तरह के मॉर्टिलिटी की बात हम लोग करते हैं। अब तो आ ही गया है, एक मैक
एक हो गया मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम मोर्टेलिटी, और एक हो गया इकोलॉजिकल. इकोलॉजिकल को दूसरे शब्द लोग क्या बोलते हैं, रियलाइज, मतलब जो होता है, रियलाइज्ड मोर्टेलिटी. ठीक है, सीधी बात है, मिनिमम क्या है, ये थ्योरेटिकल है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होता नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट है, तो थ्योरेटिकली समझना चाहिए. एक कांस्टेंट पॉपुलेशन जो आइडियल कंडीशन में डेथ हो जाना चाहिए. मान लो कि एक आदमी है, बीमार पड़ गया, 35 साल का है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि भाई इसका डेथ हो जाना चाहिए. ठीक है, बट रियलाइज क्या है कि डॉक्टर आ गए, डॉक्टर ने क्या कर दिया, दवा दे दिया, ये आदमी 85 ईयर्स तक सर्वाइव किया, तो हो गया रियलाइज मोर्टेलिटी. मतलब कंडीशन क्या हो गया कि डॉक्टर आने से, दवाइयां आने से, हॉस्पिटल्स आने से, मेडिकल सुविधा आने से, फास्ट कम्युनिकेशन आने से, जो मिनिमम मोर्टेलिटी था, जो कि किसी भी हाल में थ्योरेटिकल था, वो रियलाइज हो गया. बोला सही है भाई. और चूंकि हम लोग, एक टर्म इसमें आता है जिसको मैं करूंगा आज के लेक्चर में, उसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप ग्राफ. ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चंस आते हैं. एक बार ही आपको समझना है सर्वाइवरशिप कर्व्स. बड़ा आसानी से है भाई, हम तो हमेशा बोलते हैं ये सब तो बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको समझ सकते हैं. देखिए, किसी भी ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस देखना चाहिए. एक्स एक्सिस है एज, 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक हम मान के चलते हैं. और यहां है नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, कितने लोग जीवित है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स. तो इसको 10 मान लिए, इसको 100 मान लिए, इसको 500 मान लिए, इसको हम लोग 1000 मान लेंगे, 1000 सर्वाइव, ये कैपेसिटी है. अब देखो विद्यार्थियों, यहां पर कैसे चीजों को हम लोग सीखते और समझते हैं. सर्वाइवरशिप ग्राफ कितना आसान है, मैं उदाहरण के साथ बातें करता हूं. कहीं अगर युद्ध हो रहा हो, कहीं अगर युद्ध हो रहा हो, तो ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है ना. कि देखिए, ये 0 एज में है, 1000 बच्चे का जन्म हुआ, युद्ध है, महामारी है, फ्लड है, ड्राउट है, साइक्लोन है, तमाम चीजें, तो उन बच्चों का क्या हो रहा है, डेथ होते जा रहा है, घटते जा रहा है. बताइए, तो 20 साल के, अगर 1000 बच्चे का जन्म हुआ, 20 साल के एज में महज कितने बचे, हम कह सकते हैं कि 50 ही लोग बचे. और 60 साल के, मतलब 50 साल की उम्र तक में जाने वाले कितने लोग बचे, 5 साल, 5 ही लोग बचे. इसका मतलब ये जो है, ये जो कर्व है, ये कर्व क्या बताता है कि देयर इज अ बिग थ्रेट, बहुत चुनौती है, बहुत वहां पर सर्वाइवल मुश्किल है, कठिन है. एक ग्राफ हम बनाए, ठीक है, हम 60 ही करके चलते हैं, 60 ही साल का रखते हैं. ये क्या बता रहा है, एकदम हैप्पीनेस है भैया, खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, खुशियों का है. 1000 बच्चे जन्म लिए, 20 साल में भी लगभग लगभग 990, ठीक है, हो सकता है मेरा ग्राफ थोड़ा ऊंचा ही चला गया हो, लेकिन आप एकदम ऐसा ना समझे. 40 साल के एज में अब कुछ डेथ वेथ हो रहा है थोड़ा, 30 साल के एज में थोड़ा मोड़ा, कुछ लोग रोड एक्सीडेंट में मारा गया, कुछ लोग इधर उधर करके मारा गया. 50 साल की उम्र में भी भाई देखो क्या है, एकदम 400 लोग हैं. अगर 60 साल को ही हम मान लें कि हाँ यही डेथ का पॉइंट है, वहां पर आके सब भगवान के पास चला गया, एकदम हैप्पीनेस है. एक ग्राफ क्या है, एक कांस्टेंट ग्राफ है. कांस्टेंट ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ मतलब क्या है,
एक सही समय इंटरवल पर, मतलब हर एक 10 साल में इतने बच्चे मरते जा रहे हैं। तो यहां पर तीन तरह के आपको कर्व दिख रहा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर ये तीनों टाइप के हम ग्राफ को देख रहे हैं तो टाइप 1 जो वो क्या है, हैप्पीनेस का ग्राफ है, सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल। तो भैया ऑल इज वेल, इसको हम लोग क्या, इस ग्राफ को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, पहला कॉन्वेक्स कर्व हो गया। सेकेंड जो टाइप 2 है, टाइप 2 क्या बता रहा है, कॉन्स्टेंट रेट है ऑफ डेथ एंड सर्वाइवर। कि एक खास खास उम्र में, खास तरह रफ्तार से, हर एक 10 साल में एक खास उम्र के लोग खत्म होते जा रहे हैं। बट टाइप 3 जो है, इट इज वेरी सैड, बहुत दुखी है यहाँ पर। क्यों दुखी है यहाँ पर? ये जो कर्व है ये कैसा है, ये कॉनकेव कर्व है, इसे ऐसे भी आता है। और इसका मतलब क्या है, वॉर, डिजास्टर, वोल्केनो, फ्लड, ठीक है, महामारी एक्सेट्रा। ये इस जगह पर है, वहां बच्चे ज्यादा मारे जा रहे हैं और धीरे 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 युवा जो है बहुत कम होते जा रहे हैं। सो इस प्रकार से अगर हम लोग गौर करें तो ये सर्वाइवरशिप ग्राफ है।